एवरीबॉडीज, कैसे हैं आप सब लोग? एंड वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया हॉल, जो कि लाई हूँ मैं मिंत्रा से। और इसमें फाइनली मैं बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ जीन्स, जिसमें मैंने मंगाई है बैगी जीन्स, वाइड लेग जीन्स, यू नो, हाई वेस्ट जीन्स, स्ट्रेट जीन्स, हर कलर की जीन्स। इस बार मेरे कलर थोड़े से सिमिलर हो गए, पर दो तीन कलर थोड़े से थोड़े से डिफरेंट हैं। यू नो, शेड सबकी ब्लू में ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो सब ब्लू ही है। एक दो मैंने दूसरे कलर में भी मंगाई है। ये पूरा का पूरा हॉल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि दी प्लीज़ है ना, जीन्स बनाओ, बैगी जीन्स बनाओ। तो और मेरा भी फेवरेट सेक्शन होता है ये वाला, कि जीन्स बनाना, हुडीज बनाना, टी शर्ट्स बनाना, यू नो, सूट वगैरह। उसमें मैं थोड़ी सी नर्वस रहती हूँ हमेशा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। पर जीन्स हो गया, ये इस तरह के वेस्टर्न कपड़े हो गए ना, तो मेरे फेवरेट होते हैं, तो इसको बनाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और ये पूरा हॉल ना बहुत ज़्यादा बजटेड, बट मैंने ना इसको अंडर 950 रखा है। तो आप सोचो कि मैंने कितनी अच्छी और कितनी बजटेड जीन्सेस मंगाई, और इतनी स्टाइलिश और एकदम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है पहनने पर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स गो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जीन्स, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा बैगी जीन्स है ये, इतना प्यारा इसका फ्लेयर्ड है, बहुत फ्लेयर्ड है, बहुत सुंदर लुक आ रहा है इस जीन्स का। बहुत ऐसे आप देखो, पूरी ब्रॉड है नीचे तक एकदम ऐसे, तो नीचे ना एकदम आप शू वगैरह पहन लोगे ना, बहुत बैगी वाला फील आ जाएगा। थोड़ी सी डिस्ट्रेस्ड है दोनों नीज पे से, और ऐसे फ्लेयर्ड है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। पीछे इसमें पॉकेट्स हैं, आगे पॉकेट्स हैं, इस तरह से थोड़ी स्टाइलिंग के लिए इन्होंने कैसा बेल्ट सा लगाया है, जो बहुत ही ऐसा प्यारा सा लुक दे रहा है। कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है जीन्स का, ओवरऑल पहनने पे बहुत मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसे लग रही हो कि बहुत हैवी है, बहुत वेट होगा, बिल्कुल वेट नहीं है। पर पहनने पे पता ही नहीं लग रहा था कि इतनी सुंदर जीन्स इतनी लाइट वेटेड हो सकती है। बहुत आराम से कैरी कर लोगे आप इसको, कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, और सिर्फ मैंने ये 853 रुपीज़ में ख़रीदी है। और साइज़ मैंने इसका 28 पहना है, आप चाहो तो बढ़ा के पहन लेना, पर मुझे ये साइज़ ठीक लगा, मुझे तो बहुत फिट वगैरह सही लगा इसका। ओवरऑल जीन्स का लुक बहुत अच्छा आ रहा है, स्टाइलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जीन्स पे, वो मैंने क्या ऑर्डर किया है, सो लेट्स गो। इस हॉल में ना ये वाली जीन्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट जीन्स है। इसके ना बहुत सारे रीज़न है क्योंकि ये मेरी इसलिए फेवरेट है। पहला तो इसका कलर, जो मेरी बाकी जीन्स है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा है ना अच्छा। और इस तरह का कलर मैं बहुत दिनों से अपने जीन्स हॉल में डालना चाह रही थी, एक तो वाइट वाला और एक बेज का कोई शेड। तो अभी तक मैंने वाइट तो नहीं डाला है, ये वाला मुझे मिल गया। इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत बैगी है ये जीन्स। इस तरह से यहाँ पे ना इसमें इसको बहुत बैगीनेस देने के लिए बीच में इस तरह से ना स्टिच भी किया हुआ है, ताकि बहुत फ्लेयर्ड लग रही है। हाई राइज है, वाइड लेग है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है जीन्स का। पीछे इलास्टिक है, फिट वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। हाई राइज है ना, इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान करेगी नहीं, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। बैगी बहुत अच्छे से लग रही है, बहुत क्यूट है। और इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी इस जीन्स में बिल्कुल भी वेट नहीं है, प्योर कॉटन में है, बिल्कुल इच नहीं कर रहा, बहुत कंफर्टेबल है। कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। साइज़ मैंने इसका 30 पहना है, और मतलब 30 में बहुत अच्छे से फिट हो गई है, हाई राइज होने के बावजूद भी। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम 28 पहनेंगे, पर 30 में बहुत प्यारा सा इसका फिट और कंफर्ट आ रहा है। और 950 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस तरह से थोड़ी एसिड वॉश है, तो और क्लीन लुक है, नॉन स्ट्रेचेबल है, और बहुत ओवरऑल जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसे पहनोगे तो लॉन्ग टाइम तक भी बहुत आपको है ना कंफर्ट देगी। तो चलते हैं मेरी नेक्स्ट जीन्स पे, वो मैंने क्या ख़रीदी है, सो लेट्स गो। अगर आप कोई बहुत वाइड लेग जीन्स ढूंढ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसी सुंदर सी प्लेन सी, तो ये वही वाली जीन्स है, बहुत ज़्यादा प्यारी जीन्स है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है, हल्की हल्की सी फेडेड है, बहुत क्लीन है,
हाई राइज है तो फिट बहुत अच्छा आ रहा है, नीचे से एकदम फ्लेयर्ड फ्लेयर्ड सी है, और ये वाइड लेग है तो ऑब्वियसली बैगी हो ही जाएगी अगर आप इसे जूते वगैरह के साथ पहनोगे ना, तो बहुत अच्छा ऐसे नीचे से फूल जाएगा, कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ रहा है। हार्वर्ड की मैंने ये जीन्स ली है, पॉकेट्स वगैरह बहुत अच्छी है, जिप वगैरह बहुत अच्छी है, पीछे से भी बढ़िया सा लुक आ रहा है, और कलर भी इसका मुझे बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा लगा। हर जगह आप इसे कैरी कर सकते हो, यू नो गंदा वंदा होने का बिल्कुल भी इसमें इशू मुझे नहीं लगा। पॉकेट्स वगैरह का डिज़ाइन भी बहुत सोबर है, तो ओवरऑल जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका प्राइस जो है ना 949 रुपीज़ है, इस हॉल की सबसे महंगी वाली जीन्स है ये, और आराम से यू नो मतलब बहुत प्यार से आप इसे कैरी कर सकते हो। और साइज़ मैंने इसका 30 पहना है, जो बहुत सही मुझे लगा। वज़न इस जीन्स में बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप सोचो कि बहुत फ्लेयर्ड है, काफ़ी कपड़ा लगा होगा, तो आपको एहसास भी नहीं होगा, फील भी नहीं होगा कि आपने इतनी ज़्यादा फ्लेयर्ड और इतनी ज़्यादा सुंदर जीन्स पहनी है जिसमें वज़न भी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये जीन्स। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट जीन्स पे, वो मैंने क्या खरीदी है, सो लेट्स गो। ये जीन्स ना रोस्टर की है, और ओवरऑल देखा जाए ना तो जीन्स बहुत अच्छी है, बस इसमें मुझे एक ही दिक्कत रही, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या मेरे से इशू हो गया। जीन्स बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत क्लीन है, नॉन स्ट्रेचेबल है, यू नो, और हल्की सी बहुत माइनर से भी माइल्ड एकदम सी थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है, जो मतलब आपको मतलब फील भी नहीं होगा। और बहुत प्यारा सा इसका ना कलर है, जो यू नो इस तरह का ऐश कलर जो होता है ना, ऐश ब्लैक जो होता है, वो वाला इसका शेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। साइज़ मैंने इसका 30 पहना है, और ये मैंने 949 रुपीज़ में ख़रीदी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भयानक वाली बैगी है, भयानक वाला मस्त लुक आ रहा है इसका, जूते वगैरह के साथ पहनोगे बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लगने वाले हो। लोअर वेस्ट है ये, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना। मेरे साथ ये हो गया कि मैंने साइज इसका 30 मंगा लिया, और 28 में मैं वो लुक फील नहीं कर रही थी, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो वाला यू नो लुक नहीं आएगा, तो मैं इन बिटवीन हूँ। 29 में ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हो जाती, क्योंकि जो बैगी वाला फील है ना, अगर यहाँ से यू नो टाइट हो जाए और नीचे से अजीब सा लगता है, तो अगर ये ओवरऑल थोड़ा इस तरह का ना ब्रॉड लुक रह गया ना, तो ज़्यादा सुंदर लगे, इसलिए मैंने फिर इसे 30 पहना। और बाद में इसको आप अगर आप है ना इसको थोड़ा सा ऑल्टर वगैरह करा के पहन लेना अगर आपको लगता है, तो मैंने भी एक्चुअली पिन ही लगाया था फॉर टाइम बीइंग। बहुत ज़्यादा सुंदर है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है, पहनने पे बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही है जीन्स, ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर है, कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ रहा है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इसका प्राइस वगैरह कितना है, तो ओवरऑल जीन्स बहुत ही वज़न बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ठंड लगने वाली नहीं है आपको, और बहुत ही क्यूट जीन्स है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट जीन्स है, वो मैंने क्या मंगाई है, सलच का डार्क ब्लू कलर की ये जीन्स ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर वगैरह बहुत अच्छा है इसका, मुझे बहुत प्यारी लगी। इस तरह से ये पूरी की पूरी जीन्स ना बैगी जीन्स है, प्योर बैगी वाला फील देगी आपको, वही वाला इसका फिट है, कट है, बहुत अच्छा है, बेल्ट वगैरह बहुत अच्छी है। साइज़ मैंने इसका 28 पहना है, जो फिट मुझे काफ़ी सही लगा, अच्छे से यू नो काफ़ी ब्रॉड है, बहुत कंफर्टेबल है, इसको टी शर्ट वगैरह सबके साथ पहनो ना, बहुत ऐसे लूज सा बहुत प्यारे से लगोगे। मैंने तो शायद क्रॉप टॉप्स के साथ ही पूरी जीन्स वाला जो हॉल है ना पहना है, क्योंकि मैं फिर वो पहनती तो एकदम ऐसे नहीं लगता, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ही साइड लूज पहन लेती, अदरवाइज वही मेरा स्टाइल है यू नो वैसे नॉर्मली, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। 699 रुपीज़ में मैंने ये जीन्स खरीदी है, स्ट्रेचेबल भी है, वैसे इस तरह की जीन्स अगर स्ट्रेचेबल ना भी हो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, वैसे इतनी ज़्यादा लूज है। स्ट्रेचेबल कपड़े की नीड हमें जब होती है, जब वो थोड़ी सी फिट हो तो आराम से कम भी हो, ये तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। कलर वगैरह बहुत अच्छा है, हाई राइज है तो पहनने में भी ऐसे नहीं होगा यू नो, तो दोनों ही फील दे देगा आपको, बैगी वाला फील भी दे देगा, हाई राइज भी रहेगा, तो इससे क्या है ना, यहाँ जब हाई राइज होती है ना, तो इस तरह की जब हाई यू नो थोड़ी ढीली वाली जीन्स होती है ना, तो यहाँ से अच्छे से पकड़ लेता है, अगर वाइज अगर उसको मिड राइज या लोअर फिट वाली होना, तो फिर तो उसका ऐसे सरक सरक के जाती है वो इस तरह से, पर बहुत अच्छा फील आ रहा है इसको, कलर वगैरह बहुत अच्छा है, और ओवरऑल आप इसे आराम से कहीं भी कैरी करके पहन सकते हो, और जेन जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकदम ये है ना ऑप्शन हो सकता है। ये वो वाली जीन्स नहीं होती है जो मस्ट हैव टाइप्स की होती है, मतलब
ऐसे आप बहुत ही बजटेड और बहुत सुंदर वाला जिससे फील आता है वो वाला, मुझे इस पूरी जींस को जब मैंने ली ना तो इतना वैसा ही वाला फील आना था। कलर बहुत अच्छा है, इस तरह से थोड़ी सी लाइट डार्क इस तरह से फेडेड है तो काफ़ी प्यारी सी लग रही है। ऐसे बहुत ज़्यादा सा नहीं है, बहुत अच्छा है। जीन्स स्ट्रेट है, फिट बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल है जीन्स, बहुत कम्फी है। साइज़ मैंने इसका 30 पहना है और ये मैंने 699 की खरीदी है। मैंने टोक्यो टॉकीज की ये वाली खरीदी है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल आया है, बहुत अच्छा कंफर्ट दे रही है जीन्स का, लुक बहुत प्रिटी आ रहा है, बहुत गॉर्जियस लग रही है पहनने पे। कुर्ती वगैरह के साथ पहनो, क्रॉप टॉप के साथ पहनो, टी शर्ट के साथ पहनो, सबके साथ ही बहुत अच्छे से जेलअप हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बेल्ट वगैरह का जो कम्फर्ट है ना ये भी बहुत अच्छा है। पॉकेट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, डीप है। फ़ोन वगैरह बहुत आराम से आपका इसमें कैरी हो जाएगा, बैग वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल लेंथ बहुत अच्छी है, कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट जीन्स पे, वो मैंने क्या खरीदी है, सो लेट्स गो। इस जीन्स का लुक ना बहुत ही क्लीन है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब बहुत प्यारा सा, ऐसा ब्लू में ऐसा चुभने वाला नहीं है, बहुत ही सोबर वाला जो इसका वो होता है ना शेड वो है, बहुत क्यूट सी लग रही है। इसमें पीछे ऐसे इलास्टिक है जो आपको बहुत अच्छे से फिट दे देगी। स्ट्रेट है ये जीन्स, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है पर बैगी हो जाएगी और ऐसे बिल्कुल कहीं से कटी फटी नहीं है, कलर वगैरह बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्लेन प्यारी सी है। स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी है, फिट बहुत अच्छा है, पर स्ट्रेचेबल नहीं है ये, आई गेस। हाँ, ये स्ट्रेचेबल नहीं है और पहनने पे ओवरऑल बहुत इस तरह का लुक दे रही है। साइज़ मैंने इसका 28 पहना है। मैंने 28 इसीलिए मंगाया है कि पीछे इलास्टिक है, अगर आपको थोड़ा और कंफर्ट वाला चाहिए तो आप एक साइज़ अप करके मंगा सकते हो, तो वो भी आपको अच्छे से फिट हो जाएगा कि आपको लगे कि यार पेट वेट दब रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक साइज़ अप कर लोगे ना तो भी, क्योंकि इलास्टिक बहुत ज़्यादा ऐसा ढीला नहीं होएगा, मतलब पहनते पहनते होएगा, तब तक आप अनकम्फर्टेबल अगर फील कर रहे हो तो मंगा लेना, बाद में तो बेल्ट वगैरह से या वो हुक वगैरह आते हैं उनसे फिट हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 857 रुपीज़ में मैंने ये खरीदी है और लुक वगैरह वाइज बहुत अच्छी लग रही, कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ रहा है। अगर आपकी हाइट 5'4" से ज़्यादा है तो आपके लिए दी बेस्ट जीन्स है ये, बहुत लंबी है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपकी हाइट ज़्यादा है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इस चीज़ को लेके, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट इतनी है, इतनी, अगर आप 5'4" से ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट जीन्स पे, वो मैंने क्या खरीदी है, सो लेट्स गो। अगर आप बैगी या वाइड लेग या इस तरह की लूज फिट जीन्स थोड़ा सा यू नो रेगुलर वे में नहीं पसंद करते हो ना, तो ये वाली जीन्स उस टाइप की तो नहीं है पर उस तरह को काफ़ी फील कर देगी उस रिक्वायरमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैगी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट में ही है पर ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी है ना आपको ऐसे बढ़िया वाला बैगी से नीचे से ना ऐसे बन जाएगा आराम से, ऐसे बहुत बढ़िया सा लगेगा इसको पहनने पर। मैंने इस जीन्स में गलती ये कर दी कि ये हाई वेस्ट था, तो मेरा जो मेजरमेंट मैं हमेशा पहनती हूँ ना वो 28 पहनती हूँ हाई वेस्ट में, तो डेफिनेटली क्योंकि उसमें मैं ये प्रेफर करती हूँ, वैसे यूजुअली मैं 30 पहनती हूँ पर मैंने यहाँ इस का जो मेजरमेंट था ना उस हिसाब से मंगाया तो ये मुझे 28 में टाइट लगा, तो मैंने सोचा कि ये मुझे 30 मंगाना चाहिए था, क्योंकि 28 पहनने की वजह से नहीं मेरे थाइस पे काफ़ी अच्छे से ऐसे टाइट से चिपक गए, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आई। अगर मैं 30 पहनती तो उसका फिट थाइस पे से वो वाला आ जाता जो वो थोड़ा लूज वाला आता, जिसको आप कुर्ती वगैरह के साथ जब पहनते हो ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम कोई एक या क्रॉप टॉप तो पहनते नहीं, हमेशा एक जीन्स के साथ हम हज़ार तरह के टॉप्स पहनते, तो उसके हिसाब से ये मुझे उसी हिसाब से मुझे टाइट लगी। अदरवाइज आप अगर सिर्फ क्रॉप टॉप और टी शर्ट पहनते हो तो उसके साथ तो ये आराम से जिल जाएगी। तो जब आते हैं इस जीन्स पे, सासाफ्रास से मैंने ये जीन्स मंगाई, ये जीन्स हमेशा यू नो हमेशा की तरह मुझे अच्छी लगती है सासाफ्रास की, नॉर्मली इस तरह से इसमें ज़्यादा प्लेन नहीं है, इस तरह से इसमें ना ऐसे बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन का पैटर्न दिया हुआ है कि प्लेन ना लगे, पर ये क्लीन लुक है, कटी फटी कहीं से ही नहीं है, थोड़ी सी एसिड वॉश है हल्की हल्की सी, पूरे कपड़े में ही वो वैसा फील है, ऐसा पर्टिकुलर कोई जगह से नहीं है, पॉकेट्स वगैरह बहुत अच्छी है, फील बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है, हाई वेस्ट है तो फिट बहुत अच्छा आ जाएगा, लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है, अगर आपकी हाइट 5'4" से ज़्यादा है, 5'5" भी है तो आपके ऊपर भी आराम से फिट हो जाएगी।
क्योंकि ये 28 है इसलिए मुझे सही मतलब थोड़ी सी ऐसे लगी, अगर 30 पहनती तो इसका लुक भी वैसा बैगी आ जाता। कुछ इस तरह का फाइनल लुक आ रहा है। 931 रुपीज़ में मैंने ये खरीदी है, तो मुझे तो ओवरऑल जीन्स का पहनने के फील वाइज देखो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्यारी सी लगी है जीन्स कलर वाइज भी, क्योंकि थोड़े से मेरे बाकी जो जीन्स हैं ना वो थोड़े कलर में डार्क हैं, ये थोड़ा लाइट और मीडियम टाइप का है, तो मुझे अच्छा लगा ये वाला, तो मुझे तो प्यारी है जीन्स। सो ये था मेरा आज का पूरा मिंत्रा जीन्स हॉल, जो करके मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें स्पेशली जो ज़्यादातर जीन्स थे ना वो लूज फिटेड और बैगी वाली फील दे रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे पर्टिकुलर ऐसे तरह के जीन्स होने चाहिए, मेरी सारी नज़र बैगी जीन्स पर लूज फिटेड जीन्स पर गई। तो ये वाला हॉल ना आप इसको पर्टिकुलर या थोड़ा सा 90% इसका जो वो है ना बैगी जीन्स के ऊपर ज़्यादा है, स्ट्रेट फिट भी है और हाई वेस्ट और फ्लेयर्ड वगैरह सब तरह की जीन्स है, पर उसमें मेरे 3-4 जीन्स है नॉर्मली, उनका ज़्यादा सा है ना वो हो गया इसमें कलेक्शन में, ये बैगी जीन्स ज़्यादा आ गई है। और जो पूरा हॉल है ना बहुत अच्छा है, कम्फर्ट वाइज सारी जीन्स बहुत अच्छी है, कलर वाइज बहुत अच्छी है, ब्रांड्स सबके अच्छे वाले हैं, तो पहनने पे आपने पहनी होगी तो यू नो फील रहता ही है कि इन इस पर्टिकुलर ब्रांड्स का फील वगैरह कंफर्ट, और इनकी लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत अच्छी है, कलर वगैरह फेड नहीं होते, चेन जेब वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल पूरा हॉल बहुत अच्छा था और बजटेड था सबसे बड़ी बात है, तो क्योंकि अब विंटर्स आने वाली है तो उसके साथ हमें अब हुडीज़ भी चाहिए होगी, तो हमें अपने बजट को मेंटेन करना होगा, तो उस हिसाब से ये वाला हॉल ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो लड़कियों या जो ब्रिटिश यू नो बहुत लंबी हैं उनके लिए भी बहुत सारे गुड ऑप्शंस मुझे मिले, क्योंकि मेरे तो बहुत लंबी थी तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया बैगी वाला फील दे रही थी, पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको इस पूरे हॉल में मिल जाएंगे। तो ख़त्म करती हूँ मैं आज के वीडियो, उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और जाओ प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो बेल बटन नहीं है आई डोंट नो, पर कर दो, बेल बटन है तो उसे भी दबा दो, नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। और प्लीज़ बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्प्रेड स्माइल, और ठंडियों में अपना ख्याल रखो क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। सो टाटा बाय बाय, नमस्ते।